हमें थोड़ा सा अलग स्टोरी पे रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा खुद को भी पता चलना चाहिए कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपने बॉयफ्रेंड का रोल मैंने तो एवरी करेक्ट 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 एवरी रिलेशनशिप में एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और सबमिसिव कैरेक्टर, जैसे मैन वुमन में भी होता है, बट समटाइम्स हेटरोसेक्सुअल वुमन बिकम्स द मैन एंड मैन बिकम्स द वुमन आल्सो। या आई थिंक इट्स कॉल्ड किंग एंड क्वीन इन अ लेस्बियन रिलेशनशिप। One person is little bit like a tomboyish and the other one's little girlish, so it's called the king and queen, I think. Hey, अगर दो girls हैं, दोनों अगर ऐसे romance करें तो कुछ तो आगे तो बढ़ना चाहिए ना कहानी में, तो किसी एक को आगे बढ़ना। So during the shooting, आपको कुछ तकलीफ नहीं हुआ? क्या तकलीफ? अब कैसा तकलीफ बोल रहे हो बताओ? मतलब अफसर को मुझे टीज़ करके feelings? हम लोग इतना दोस्त थे, आई मीन ऐसे जैसे कॉमेडी मस्ती करे सीन के पहले जब सेट हो रहा है कैमरा, तो कहीं ना कहीं तो हमें शूटिंग कंप्लीट करना था, अब हंस देते थे सीन के टाइम पे, बट जब हम लोग सोचते कि हमें सीन कंप्लीट करना है एज अ एक्टर, तब हम सीरियस हो जाते थे कि हमें ये सीन कंप्लीट करना है वन डे में। अपने पहले मांगे भी ज़्यादा पिक्चर में काम है और प्लान है क्या दूसरे पिक्चर पे नेक्स्ट मूवी? हाँ मैं आई थिंक अभी मल्ली मुदलाइन भी रिलीज़ हो गया सुमन सर के साथ, उसके बाद हॉटस्टार में अर्का मीडिया का परंपरा रिलीज़ हो गया है, सो उसके बाद एम एक्स प्लेयर का ना एक रिलीज़ होने वाला है। अभी मैं बेंगलोर पे शूटिंग कर रही थी तो उसका लास्ट शेड्यूल बाकी है, तो हमें ऐसा नहीं कि मैंने कभी भी सिर्फ गैंगस्टर का फिल्म बनाई, आई डिड ऑल काइंड्स ऑफ वेराइटीज लाइक फ्रॉम हॉरर टू पॉलिटिकल ड्रामा टू समथिंग, सो दिस आई थॉट इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। या